भारत के बड़े उद्योगपतियों में एक नाम आता है रतन टाटा का। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ। इनकी मृत्यु 9 अक्टूबर 2024 को ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल ट्रस्ट मुंबई में ही इनका जन्म हुआ था और मुंबई में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके नानाजी का नाम था रतन जी टाटा और इनकी शिक्षा हुई थी हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में इनकी शिक्षा हुई। इनकी माता का नाम सुनी टाटा और पिता का नाम नवल टाटा था। टाटा हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी की स्थापना की थी इन्होंने। रतन टाटा का धर्म पारसी था, पारसी धर्म से ये थे। रतन टाटा के वारिस का नाम है, इनके सौतेले भाई नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट की कमान सौंप दी गई है। नोएल टाटा नवल टाटा की दूसरी पत्नी के बेटे हैं। पहले से ही सर दोरावजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट के बोर्ड में ट्रस्टी हैं। रतन टाटा की कुल संपत्ति की बात की जाए तो सामूहिक समूह की 100 से ज़्यादा लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनियां हैं। इनका कुल कारोबार करीब 300 अरब डॉलर का है। भारत के रतन अपने पीछे अनुमानित करीब 3800 करोड़ रुपए की दौलत छोड़ करके गए हैं। रतन टाटा के बच्चे कितने हैं आपके मन में सवाल होगा, तो उनकी पहली पत्नी सुनी कमिसरियट ने 2 बेटों को जन्म दिया। पहला रतन नवल टाटा और जीमी नवल टाटा, दूसरा जीमी नवल टाटा है। रतन टाटा की सबसे बड़ी कंपनी की बात की जाए, इनकी सबसे बड़ी कंपनी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, आपसे सवाल पूछा जाएगा कि हाल ही में एक उद्योगपति की मृत्यु हुई थी, तो उसके विषय में हम आपको बताते हैं कि टाटा को सांस लेने में तकलीफ के कारण गंभीर हालात में ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रिज कैंडी अस्पताल में किसकी मृत्यु हुई थी, और 7 अक्टूबर 2024 से गहन देखभाल में थे। उम्र से संबंधित समस्याओं के कारण 9 अक्टूबर 2024 को रात 11:30 पर 46 वर्ष की आयु में रतन टाटा जी का निधन हो गया। रतन टाटा के अंतिम संस्कार में कौन कौन गए थे, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल और इनके साथ में अन्य नेता भी शामिल हुए। इनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। तो ये थी रतन टाटा से जुड़ी हुई कुछ सामान्य बातें। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना।